तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि केमिस्ट्री हम कहते किसे हैं, ठीक, या केमिस्ट्री के अंदर किसका हम अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम अध्ययन किसका करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य का, ठीक। तो द्रव्य यानी मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या है और मैटर का यूटिलाइजेशन क्या है, इन सबका अध्ययन किया जाता है आपके किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। फादर ऑफ केमिस्ट्री लिवोजिए, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, केमिस्ट्री के अगर हम ब्रांचेस देखें तो तीन आपके ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन किसे कहते हैं हम, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें केमिकल रिएक्शन के प्रिंसिपल्स की स्टडी की जाती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तत्वों का आपके कोई अगर ओर या अयस्क है तो उसका अध्ययन, तत्वों की विशेषताओं का अध्ययन और तत्वों का यूटिलाइजेशन, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन, तो ये केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, ठीक है। तो अब यहां याद रखना कि पूरी प्रकृति में कार्बन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कैटेनाइजेशन, श्रृंखलन का एक गुण पाया जाता है, और इसी श्रृंखलन के गुण की वजह से आपके कार्बन अलग अलग श्रृंखलाओं में जुड़ के ठीक 5 लाख से भी ज्यादा अपने कंपाउंड बनाता है। अब 5 लाख से ज्यादा चूंकि इसके कंपाउंड है, तो इसके कंपाउंड की स्टडी के लिए हमें एक पूरी ब्रांच की ही जरूरत पड़ती है, और इसी को कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। कार्बन की खुद की स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब के बाद में नेक्स्ट, तो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में अब हम कर क्या रहे हैं, स्टडी ऑफ मैटर, द्रव्य का अध्ययन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मैटर हम कहते किसे हैं, ठीक है, क्या होता है द्रव्य।
तो मैटर यानी कि द्रव्य, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि द्रव्य हम कहते किसे, ठीक है। मैटर आपके होता क्या है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, हर वह चीज जो स्थान घेरती है, ठीक। हैविंग मास, जिसके अंदर द्रव्यमान हो, ठीक है। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया, जिसके अंदर जड़त्व का गुण हो, जड़त्व का गुण यानी कि अगर कोई वस्तु आपके रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, कब तक, जब उस पर कोई भारी बल ना लग जाए, ठीक है। और वी कैन फील इट, यानी जिसे हम महसूस कर सके, ठीक है। तो हर वह चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जड़त्व का गुण हो, ठीक, जो स्थान घेरती हो और जिसे हम महसूस कर सके, हर वह चीज आपके क्या कहलाएगी, मैटर या द्रव्य, ठीक है। अब हम ये देखें आपके, तो द्रव्य की कैटेगरी में जो कुछ भी आप देख सकते हो वो सब कुछ मैटर है, ठीक है। जिस चीज को भी आप देख पा रहे हो और उसमें ये सारी अगर विशेषताएं, वो आपके क्या होगा, मैटर, ठीक। टेबल हो, कुर्सी हो, ट्यूबलाइट हो, बाल हो, दीवार हो, कुछ भी, एक्स वाई जेड हो, ठीक, ये सब कुछ क्या है आपके, मैटर, ठीक है। अब यहां मैटर का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, ठीक, तो मैटर का क्लासिफिकेशन आपके कितने पार्ट में होता है, तो मैटर का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो दो आधार पर हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर आपके फिजिकल स्टेट्स के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है मैटर, कितना, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा फिफ्थ स्टेज, गॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ये जो आपके मैटर है ये आपके पांच प्रकार का हो सकता है, इसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन तो नेचुरल स्टेट है, ठीक, और ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आर्टिफिशियल स्टेट है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखें तो अब ये मैटर कितने प्रकार का हो सकता है, दो, पहला प्योर मैटर शुद्ध, और दूसरा इम्प्योर मैटर अशुद्ध। अगर मैटर आपके प्योर है तो ये होगा क्या, एलिमेंट या कंपाउंड,
और इम्प्योर है तो ये मैटर होगा क्या, मिक्सचर यानी कि मिश्रण। पृथ्वी पर तो आर्टिफिशियल ही है, बाकी का किसी और ग्रह पर होते हैं नेचुरल तो पता नहीं। प्लाज्मा स्टेट जो नेचुरली होती है स्टार्स के अंदर, अर्थ पर नहीं होती, स्टार में क्रिएट होती है प्लाज्मा स्टेट और इसी वजह से आपके स्टार्स ग्लो करते हैं। तो अब डिस्कस करें एक एक करके इन सबको, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे प्लाज्मा और ऑसाइनस्टीन कंडेंसेट और किस तरह से एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है बिठा दें इसे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं आपके कि फिजिकल स्टेट्स, तो फिजिकल स्टेट्स के आधार पर नेचुरल स्टेट्स कितनी है, फिजिकल तीन, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है तो कोई भी मैटर आपके कब बनता है सॉलिड, कब बनता है लिक्विड और कब बनता है गैस। ठीक है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपके दो बॉडी है, पहली बॉडी आपके लिविंग और दूसरी बॉडी आपके नॉन लिविंग। ठीक है अगर कोई भी बॉडी आपके लिविंग है तो हर लिविंग बॉडी का निर्माण शुरू हुआ होगा कहां से, सेल से। सेल्स का ग्रुप मिलके क्या बनाता है, टिश्यू मिलके और ऑर्गन मिलके बॉडी। ठीक है अगर कोई बॉडी आपकी नॉन लिविंग है तो ऐसी हर बॉडी का निर्माण शुरू हुआ होगा किससे, एटम, परमाणु से। एटम आपके मिलके क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स, और यही मॉलिक्यूल्स आगे चल के बनाएंगे क्या, मैटर। अब आपके ये डिपेंड करेगा इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि ये किस प्रकार के मैटर का निर्माण करेंगे, ये निर्माण सॉलिड का करेंगे या लिक्विड का करेंगे या गैस का करेंगे। अब कौन सी स्थिति, अब देखना होता ये है किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में दो प्रकार के आपके बल कार्य करते हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल, ये मॉलिक्यूल्स को क्या करता है मैटर के को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन, अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल, ये मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, रिपल्स करेगा। अब ये दो प्रकार के आपके फोर्स काम कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो पहला फोर्स कौन सा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। अब यहां याद रखना अगर किसी मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ज्यादा हो जाए किससे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन से, मतलब मॉलिक्यूल रिपल्स तो कम करें और अट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, तब इस सिचुएशन में निर्माण होगा किसका, सॉलिड, यानी कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, बहुत ज्यादा डेंस हो जाएंगे और ये किसका निर्माण कर देंगे, सॉलिड का। ठीक अब यहां आपके अगर ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो जाए, ठीक
ये हो, तो अगर ये वीक होगा तो आपके जो मॉलिक्यूल्स पास पास है वो क्या होंगे, फैलना शुरू करेंगे, फ्लो में आना होंगे, और ये फ्लो में आएंगे तो निर्माण करेंगे किसका, ब्लड, ठीक। और अब यहां आपके निर्माण होगा किसका, लिक्विड, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, ज्यादा तो है किससे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन से, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा यहां बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है और यहां कम अट्रैक्शन फोर्स है। तो मॉलिक्यूल्स आपके बंधे हुए तो हैं लेकिन ये फ्लो में आ गए और ये निर्माण हो गया किसका, लिक्विड का। और तीसरी कंडीशन आपके गैस की स्थिति में क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मच लेस देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। यहां रिपल्सन हो गया ज्यादा और अट्रैक्शन हो गया कम, तो मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। तो इस तरह से तो आपके निर्माण होगा आपके किसका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, ठीक। तो कोई भी मैटर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा नेचुरल स्टेट, ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि उस मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है या रिपल्सन फोर्स ज्यादा लग रहा है। बैठा दें,
क्लियर नोट। तो नेक्स्ट याद रखना, फिजिकल स्टेट्स के आधार पर आपके तीन प्रकार के मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड कहने कहते हैं, कब निर्माण होता है सॉलिड का, जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मच ग्रेटर देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। ठीक। दूसरा आपके लिक्विड का निर्माण, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो हो लेकिन सॉलिड की अपेक्षा कम। और गैस का निर्माण, जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मच लेस देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। ठीक है। इसके बाद में आता कि जो आपके सॉलिड है इनके मॉलिक्यूल्स क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड से दूर होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल तो सबसे दूर होते हैं। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर गैप ये मिनिमम होता है। ठीक है। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर गैप सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर गैप और ज्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद में सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम, डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम का जो आपके प्रपोर्शन होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड। इसके बाद लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम और सबसे कम डेंसिटी गैसों। ठीक। नेक्स्ट, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, लिक्विड का सॉलिड से कम और गैस का सबसे कम। ठीक। नेक्स्ट याद रखना, सॉलिड का शेप एंड साइज डेफिनेट, वॉल्यूम डेफिनेट, इसका आपके शेप साइज और वॉल्यूम सब डेफिनेट होगा। लिक्विड का शेप एंड साइज इनडेफिनेट, लिक्विड को जिस बर्तन में रखोगे उसका शेप एंड साइज ले लेगा लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट, और गैस का तो शेप एंड साइज और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनेट। ठीक। तो ये होते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसमें, लिक्विड वाले साइज में आपके ये कि पानी को आप इस बोतल में भरोगे तो इस शेप एंड साइज में आ गया, लोटे में भर दो उसमें आ जाएगा, भर दो इसमें, जो बर्तन का साइज आपके शेप एंड साइज होगा पूरी तरीके से उसी में समा जाएगा। अब इसको आप देखोगे तो इसी साइज पर तो बनता जा रहा है लिक्विड, शेप भी वही है साइज भी वही, जिसमें रखोगे उसमें वही होगा। ठीक। तो यहां आपके क्या देखोगे, शेप एंड साइज है इंडेफिनेट क्यों है, जैसे ही बर्तन का शेप और साइज बदलेगा इसका भी शेप और साइज खुद ही बदलेगा पानी का, लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, डेफिनेट, क्योंकि जब आप लेंथ हाइट और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा, जबकि गैस में ये दोनों चेंज। ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, चेंजेज इन फिजिकल स्टेट्स, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो प्राकृतिक रूप से आपके ये तीन भौतिक अवस्थाएं हुई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन इन तीनों ही फिजिकल स्टेट्स में भी आपके कुछ चेंजेज हो सकते हैं, यानी सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में, और गैस को द्वारा लिक्विड में, और लिक्विड को द्वारा सॉलिड। ठीक। तो जरा देखना है इसे,
नेक्स्ट याद रखना चेंजेज इन फिजिकल स्टेट्स, यानी कि आपके भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्था में दो प्रकार से परिवर्तन किए जा सकते हैं, एक तो उसके टेम्परेचर में चेंज करके और एक उसके प्रेशर में चेंज करके। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर चेंज देखें। प्रेशर चेंज आपके जो वर्क करेगा वो किस पर करेगा, केवल गैस के ऊपर। अगर गैसों का हम प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और गैस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में। इसी कंसेप्ट पे आपके निर्माण होता है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक, अब दूसरा चेंज होता है आपके टेम्परेचर चेंज, यानी कि अगर किसी मैटर में हम टेम्परेचर चेंज करें तो इसकी स्टेट में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कितना होता है तो सारी गैसों के लिए अलग अलग होगा ना, 200 से 250 में भी तो आपके कितना वेरिएशन हो गया, हर गैस का अपना अलग अलग। देखो अब ये बताओ कि आपको कोई पीटे कब दर्द महसूस करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पीछे वाले को पीटे जल्दी दर्द महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करेगा ना कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन की स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग फोर्स वर्क करेगा। अब नेक्स्ट याद रखना, करंट डिस्कस। तो
टेम्परेचर चेंज याद रखना कि टेम्परेचर चेंज से कैसे किसी आपके मैटर की फिजिकल स्टेट्स में चेंज होता है। यह है आपके कोई सॉलिड, अगर सॉलिड का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा धीरे धीरे वीक होगा, और एक टेम्परेचर आपके ऐसा होगा कि एक स्थिति में आके ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पिघलना शुरू कर देंगे। तो वह टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में बदलना शुरू हो जाए क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपके अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो एक टेम्परेचर ऐसा होगा जहां ये लिक्विड बॉइल होगा और लिक्विड बॉइल होके आपके गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट और प्रोसेस कहलाएगी एवेपोरेशन, बाष्पीकरण। इसके बाद में अगर किसी गैस का टेम्परेचर हम डाउन करें तो एक टेम्परेचर ऐसा होगा जहां आपकी गैस ठंडी होकर द्वारा किसमें बदलना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में। तो वह टेम्परेचर जिसपे गैस लिक्विड में बदले वो टेम्परेचर कहलाएगा ड्यू पॉइंट, और ये प्रोसेस कहलाएगी कंडेंसेशन, संघनन। ठीक, दूसरा याद रखना अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम डाउन करें, ठीक, तो ये द्वारा किसमें बदल जाएगा, सॉलिड में, और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड में बदलेगा उसे कहेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में याद रखना कि प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक, कुछ सॉलिड पदार्थ जिनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो सीधा गैस में बदलते हैं, टेम्परेचर घटाएं तो सीधा सॉलिड में बदलते हैं, ये लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं है। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम जिसमें सॉलिड सीधा गैस में या गैस सीधा सॉलिड में बदलती है, ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, और जो पदार्थ ये प्रक्रिया करते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं सब्लिमेट मटेरियल, यानी कि ऊर्ध्वपतित पदार्थ। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी हुई। तो ऊर्ध्वपतित पदार्थों में आपके कपूर, ठीक, तो सबसे नॉन आपके मटेरियल तो कपूर ही है, तो कपूर आप जलाते हो, ओम जय जगदीश हरे और कपूर गायब, ठीक, तो ये सीधा ऊपर जाता है आपके, तो ये होता है आपके क्या, सब्लिमेट मटेरियल। ठीक, तो ऊर्ध्वपतित पदार्थ। तो ये देखा हमने क्या, मैटर और मैटर के आपके फिजिकल स्टेट्स में चेंज। अब इससे आगे का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।